हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। टुडे इज़ 24th ऑफ नवंबर और हम रेडी हैं आफ्टर 9 मंथ्स अपना घर लीव करने के लिए। हम ट्रैवल कर रहे हैं अपनी नई डेस्टिनेशन पे, जो कि है श्रीनगर। होप करता हूँ आपको आने वाला कंटेंट अच्छा लगेगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी करते रहें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपको भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। वो आज हमारा डे वन है और हम डे वन पे ट्रैवल कर रहे हैं 350 किलोमीटर्स चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ में आज रात का जो है स्टे करेंगे। सामान हमारा सारा फ्रेंड्स तैयार है। इस छोटे वाले बैग के अंदर मैंने कैरी किया है अपना सारा इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे लैपटॉप कैमरा बैग्स वगैरह जो भी एक्सेसरीज हैं वो इसके अंदर कैरी किए हैं। और ये है मेरा लगेज बैग, जिसके अंदर सारे क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स, ग्लव, जो भी हमारे कपड़े हैं वो सारे कलेक्ट इसके अंदर लेके जा रहा हूँ मैं। लॉकडाउन पार्ट 1 ख़त्म होते ही मुझे मौका मिला धरती पर जन्नत कहे जाने वाली जगह मीन्स कश्मीर देखने का मौका। तो कैसे मना कर सकते थे, इसलिए कि ये जन्नत तो थी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलना था इस फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप पे मेरे को जाने से। After a long wait for 9 months, हम कर रहे थे अपने सफ़र की शुरुआत। On first day, हमने cover करना था almost 350 kilometers to reach Chandigarh, our first destination. The conditions of the road after Bathinda is so good that you feel you are driving on butter. अगर आप अपने व्हीकल से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो दीपक ढाबा पर रुकना और वहां की चाय और लस्सी को एंजॉय करना तो मस्ट है। सेवेंटी मोर किलोमीटर्स फॉर चंडीगढ़,
ऑलमोस्ट 6 घंटे की ड्राइव हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम चंडीगढ़ पहुंचने ही वाले हैं। Finally, with the lights on, we have reached for our day one stop, that is Chandigarh. So friends, finally reached Chandigarh. अभी होटल में चेक इन किया, तो आपको थोड़ा सा छोटा सा रूम टूर मैं दे देता हूँ। होप यू गाइज लाइक दिस ट्रैवल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। आने वाली वीडियोज में आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। निकले हैं जन्नत के सफ़र पर, निकले हैं जन्नत के सफ़र पर, कुछ और नहीं तो मन की शांति तो पाकर ही लौटेंगे।